नमस्कार दोस्त। तो भाई काफी सारे व्हाट्सएप यूजर्स बार बार हमसे एक सवाल करते हैं कि भाई आप मुझे ये बताओ, मान लो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, यानी कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है। अब क्या वहां पर जो भी मैं वीडियो कॉल करूंगा, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए जो भी मैं वीडियो कॉल करूंगा, वो सारी की सारी वीडियो कॉल कोई दूर बैठा इंसान देख लेगा? क्या ये पॉसिबल है, देख सकता है या नहीं? वहीं पर कुछ यूजर्स ये भी सवाल करते हैं कि भाई मान लो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट आज के डेट में हैक हुआ है, लेकिन आज से पहले मैंने जितनी बार वीडियो कॉलिंग किया होगा या फिर की होंगी, क्या वो सारी की सारी वीडियो कॉल वो अगला बंदा देख सकता है जिसने हैक किया है? तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल हैकिंग से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्त मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है सुमित राज 2.0। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी। सो प्लीज आप लोग वहां पर भी जाकर के विजिट कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए। बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्त अभी मैं आप लोगों के दोनों सवालों का जवाब देने वाला हूं। पहला ये कि मान लो अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है और हैक होने के बाद आप वीडियो कॉल करते हो, तो क्या वो वीडियो कॉल देखी जा सकती है या नहीं? ठीक है, तो दोस्त मान लो अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट आज के डेट में हैक हुआ है, किसी ने हैक कर लिया है, ठीक है, वो भी एडवांस लेवल का बंदा अगर हैक किया है, तो उस सिचुएशन में आपका वीडियो कॉल देखा जा सकता है, ये पॉसिबल है? क्योंकि जब आपका व्हाट्सएप अकाउंट ही हैक हो जाएगा तो भाई आप जो भी एक्टिविटी करोगे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर, चाहे चैटिंग करो, वीडियो कॉलिंग करो या फिर ऑडियो कॉलिंग करो, वो सब कुछ दूर बैठा इंसान देख सकता है। हाँ, अगर नॉर्मल इंसान है किया, जैसे कि आपके व्हाट्सएप चैट बैकअप में जाकर के जीमेल अकाउंट अपना वाला डाल दिया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ना तो वीडियो कॉल देखी जा सकती है और ना ही ऑडियो कॉल, लेकिन चैट जरूर देखी जा सकती है, ठीक है। और साथ ही एक व्हाट्सएप वेब होता है जिससे कि आप अपना जो डिवाइस है, यानी कि अपना जो व्हाट्सएप अकाउंट है, चार अलग अलग डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर उसके जरिए आपना आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है किसी ने एक्सेस कर रखा है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी वीडियो कॉल देखी जा सकती है, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है, इसके बाद ये सारा काम पॉसिबल ही है, ज्यादा चांस बनता है कि आपकी वीडियो कॉल देखी जा सकती है, 100 में से 99% चांस बनता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल एक और आता है उठ करके कि भाई मान लो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट आज के डेट में हैक हुआ है, लेकिन आज से पहले जितनी भी मैंने वीडियो कॉल कर रखा है, ठीक है, हजारों बार कर रखा होगा या फिर 1000 बार, 100 बार कर रखा होगा, तो वो सारी की सारी वीडियो कॉल हैक हो जाएगी? क्या दूर बैठा इंसान देख लेगा? तो भाई इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकता है। वो क्यों, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो भी आप WhatsApp पर एक्टिविटी करते हो, चाहे आप चैटिंग करो, वीडियो कॉलिंग करो, ऑडियो कॉलिंग करो, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का मैसेज शेयर या रिसीव करो, तो उस सिचुएशन में उसका जो चैट बैकअप है वो तो आपके गूगल ड्राइव में होगा। लेकिन मान लो अगर आप वहां से डिलीट भी कर देते हो अपना टेक्स्ट मैसेज वगैरह, तो वो सारे के सारे मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पर रहते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहते, बस 30 दिन तक रहते हैं। जी हाँ, और एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि व्हाट्सएप के सर्वर पर आपकी वीडियो कॉल सेव नहीं रहती है, सिर्फ आपने जो टेक्स्ट मैसेज शेयर या रिसीव किया होगा वो वहां पर सेव रहता है, वो भी बिल्कुल ओपनली नहीं, कॉड के जरिए वहां पर सेव रहता है। जैसे कि आपने अपने जानू को लिखा होगा आई लव यू जानू, तो वहां पर व्हाट्सएप के टीम मेंबर को ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, आई लव यू जानू लिखा हुआ है या फिर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर से आपका जो चैट है वो लेस है, ठीक है, तो उनको ये नहीं दिखता है। लेकिन 30 दिनों तक ही उनके भी सर्वर पर रहता है, उसके बाद व्हाट्सएप के सर्वर पर से आपका जो चैट बैकअप है वो हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद मान लो अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाए, तो भाई हैकर्स के हाथ आपका चैट तो लगेगा ही नहीं जो आपने टेक्स्ट मैसेज शेयर किया है, तो वीडियो कॉल कहाँ से लेगा, ठीक है। वीडियो कॉल तो व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर होती ही नहीं है, ठीक है दोस्त, चैट ही स्टोर होता है, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल वगैरह स्टोर नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट आज के डेट में हैक हुआ होगा और आपने इससे पहले और भी बहुत सारे वीडियो कॉल की होंगी या फिर किया होगा आपने, तो आप बेफिक्र रहिए, आपका वीडियो कॉल हैक नहीं होगा, देखा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, आप अगर
व्हाट्सएप पर जो भी वीडियो कॉल किए होंगे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपने अपने मोबाइल में सेव कर रखी होगी, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव कर रखी होगी, तो उस सिचुएशन में आपका जो वीडियो कॉल है वो हैक हो सकता है। मान लो आपका मोबाइल फोन ही हैक हो जाए, तो भाई आपने जो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया था और उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो वो वीडियो कॉल तो हैक हो सकता है। उसके बाद आपको लगेगा कि भाई व्हाट्सएप में वीडियो कॉल मेरा हैक हो गया, नहीं, आपका फोन हैक हो गया इस वजह से व्हाट्सएप की वीडियो कॉल हैक हो गई। इसलिए अगर आप प्राइवेट बात करते हो अपने जानों से या फिर मोनू जो भी ऐप है, तो आप उस फाइल को एक प्राइवेट और सेफ और सिक्योर जगह पर रखो, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने के बाद आपका वीडियो कॉल देखा जा सकता है या नहीं, और साथ ही डिलीट पहले से की हुई वीडियो कॉल देखा जा सकता है या नहीं। लेकिन फिर भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।